नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और मैं हूं आपके साथ साहेब अली। बिहार की अब तक की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। मोकामा के विधायक अनंत सिंह ने AK-47 मामले में सरेंडर कर दिया है, लेकिन उनका सरेंडर बिहार में नहीं बल्कि दिल्ली में हुआ है। जी हां, दिल्ली के साकेत कोर्ट में अनंत सिंह ने सरेंडर किया है। और आपको बता दें कि पहले से ही खबर आ रही थी कि अनंत सिंह सरेंडर कर सकते हैं, लेकिन ये कंफर्म नहीं था कि अनंत सिंह सरेंडर कब करेंगे और कहां करेंगे। फिलहाल दिल्ली की साकेत कोर्ट में अनंत सिंह ने सरेंडर कर दिया है, आत्मसमर्पण कर दिया है। उन्होंने इससे पहले एक वीडियो जारी किया, वीडियो में उन्होंने सीधे तौर पर पुलिस पर आरोप लगाया, यहां तक कि बाढ़ की ASP लिपि सिंह पर भी आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि मैं कभी भी पुलिस के सामने सरेंडर नहीं करूंगा, मैं जब भी सरेंडर करूंगा तो न्यायालय के सामने करूंगा, क्योंकि पुलिस पर मुझे भरोसा नहीं है। सबसे पहले आप वो बयान सुनिए उनका जो सरेंडर से ठीक पहले उन्होंने सोशल मीडिया पर जारी किया था। हम पुलिस को सरेंडर नहीं करेंगे, हम जाकर कोर्ट में सरेंडर करेंगे, हमको न्यायालय पर भरोसा है, सरेंडर हम पुलिस में नहीं होंगे। काहे कि हम मीटिंग हुआ तो जान गए, इंटर PC में मीटिंग किया, जिसमें ललन सिंह थे, नीरज था, लिपि सिंह थे। मोकामा ललन सिंह के बुलाया गया कि एग्जाम करो सामान के, सामान ला के 2 एग्जाम करके दिया। उसके बाद एगो हमारे गोतिया का दिया गया, जिसको नाम है जसवीर और करमवीर, ई 2 के दिया गया, जो हमारा घर रखवा दिया, ले जाके हमारा घर भी। और उसके बाद जो एगो सामान बचल है वो हमारा देह में देने की तैयारी है कि देह में दे कर सिंह हम जब भी कोर्ट ले जाएं तो देह में दे के, हमको कोर्ट पर भरोसा है हम जब हाजिर होंगे तो कोर्ट में होंगे, हम पुलिस के सामने नहीं होंगे। तो कुल मिलाकर के अब सवाल ये उठ रहे हैं कि ASP लिपि सिंह लगातार उनको ढूंढ रही थी, छापेमारी चल रही थी, विशेष टीम बनाई गई थी, SIT का गठन हुआ था ताकि अनंत सिंह को खोजा जा सके। दरअसल उनके लदमा वाले आवास से AK-47 बरामद हुआ था, उसके साथ ही साथ हैंड ग्रेनेड भी बरामद हुए थे, जिसके बाद पुलिस लगातार छापेमारी कर रही थी, अरेस्ट वारंट जारी हुआ, लुकआउट नोटिस की भी बात की गई, लेकिन अनंत सिंह किसी को कहीं मिले नहीं। पुलिस खाक शांति रह गई, अनंत सिंह वीडियो पे वीडियो जारी करते रहे, लगातार 3 वीडियो उन्होंने जारी किया, जिसमें पहले में उन्होंने कहा कि मुझे फंसाया जा रहा है, दूसरा वीडियो आया उसमें उन्होंने कहा कि मैं सरेंडर करूंगा, लेकिन जगह और वक्त नहीं बताया, 2 से 3 दिन की बात कही थी, और तीसरा वीडियो उन्होंने जारी करते हुए पुलिस पर आरोप लगाया और कहा कि मुझे पुलिस पर भरोसा नहीं है, मैं न्यायालय के सामने सरेंडर करूंगा। और आखिरकार दिल्ली की साकेत कोर्ट में अनंत सिंह ने सरेंडर कर दिया है। आगे देखने वाली बात होगी क्या कुछ होता है। फिलहाल आप लाइव सिटीज के साथ बने रहिए, हम आपको बिहार समेत देश दुनिया की तमाम खबरों पर लगातार अपडेट दे रहे हैं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए और विस्तार से खबरों को पढ़ने के लिए livecities.in पर जाएं। धन्यवाद।